हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो लगभग 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी Redmi Note 8 स्मार्टफोन के नए अपडेट को लेकर। बेसिकली उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा था कि नए अपडेट के बाद जो है क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आपने जरूर देखी होगी वो वीडियो। अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी काम की वीडियो है। तो काफ़ी लोग उस वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो Redmi Note 8 स्मार्टफोन है उसमें हीटिंग के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। और काफ़ी लोगों ने जो है बैटरी ड्रेनिंग को लेकर भी कमेंट करा था कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। तो क्यों ये सब इशू आ रहे हैं और सच में इशू आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो सब बारे में ही बात होने वाली है इस वीडियो में। और अगर ये इशू आ रहे हैं तो इन्हें कैसे फिक्स करा जाए, इनसे कैसे बचा जाए, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, और बेल आइकन दबाना। और पहली बार यार मैं एक लाइक गेम का टारगेट रख रहा हूँ, 25 लाइक का रख रहा हूँ, क्योंकि 25,000 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, तो ज़रूर कर देना। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा हीटिंग इशू को लेके। तो हीटिंग इशू जब भी किसी स्मार्टफोन में आता है वो दो ही चीज़ों को लेके आ सकता है, या तो बैटरी हीट हो रही होती है या फिर CPU और GPU हीट हो रहा होता है। तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो इस वक्त जो हमारे फ़ोन में हो रहा है वो बैटरी हीट हो रही है, GPU और CPU में कोई भी दिक्कत नहीं है। जो चीज़ हीट हो रही है वो बैटरी हमारी हीट हो रही है, और सीरियसली बैटरी हीट हो रही है। पहले के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करो तो पहले से जो है बैटरी हीट हो रही है, यानी कि आप जो कमेंट कर रहे हो हीटिंग इशू की, वो बिल्कुल आप सही कमेंट कर रहे हो, सच में बैटरी जो है हीट हो रही है, मैंने खुद नोटिस करा है। तो अब सवाल यह है कि बैटरी ये हीट हो क्यों रही है और हम कैसे इससे बचें। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बैटरी हीट क्यों हो रही है, क्या अपडेट के बाद बैटरी हीट हो रही है। दरअसल दोस्तों, अपडेट के बाद बैटरी हीट नहीं हो रही है, हीट इसलिए हो रही है बैटरी क्योंकि हमारा जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है ये कि हमारा यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे ये जो लॉकडाउन हुआ है, अब तो एक्सटेंड भी हो गया है लॉकडाउन, तो हम अपना फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी देर तक चलाते रहते हैं फ़ोन को, काफ़ी हैवी काम कर रहे हैं, काफ़ी पबजी खेल रहे हैं, काफ़ी कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो जिससे हमारा फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक ये रीज़न हो गया। दूसरी जो रीज़न है वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल भी, अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो गर्मियों का भी असर पड़ता है फ़ोन्स पर और गैजेट्स पर, तो उसकी वजह से भी जो है गैजेट्स और फ़ोन्स जो हैं वो हीट होते हैं। तो एक और ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो Redmi Note 8 स्मार्टफोन है वो हीट हो रहा है। और दोस्तों, सिर्फ हमारा Redmi Note 8 स्मार्टफोन ही नहीं, और भी गैजेट और भी स्मार्टफोन, जैसे कि मेरा ये लैपटॉप ही ले लीजिए, इस पर जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो गैजेट जो है वो हीट होते ही होते हैं। तो अगर आप ये सोचकर घबरा रहे हो कि अपडेट हमने गलत कर लिया, हमारा जो फ़ोन हीट हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट की वजह से नहीं, दरअसल ये जो इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर वो, और जो यूजेज बढ़ चुका है, इसकी वजह से ये हीटिंग के इशू आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रॉब्लम को जो है अच्छे से समझ लिया है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अब बात करते हैं फिक्स करने की, यानी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि जब आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते करते फ़ोन को गर्म कर दो, तो प्लीज़ यार उस फ़ोन को बंद करके रख दिया करो, उसे थोड़ा रेस्ट लेने दिया करो, उसे थोड़ा आराम करने दिया करो। वो भी एक मशीन ही है, तो उसे भी आराम की ज़रूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी आजकल लॉकडाउन में, हम फ़ोन चलाते हैं, गर्म हो जाता है फ़ोन, उसे इग्नोर करते हैं और फिर फ़ोन चलाते हैं, तो उससे जो है फ़ोन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, इसलिए फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो जब आपको थोड़ा महसूस होने लगे, थोड़ा आपको लगने लगे कि फ़ोन हीट हो रहा है, तो उसको बंद करके रख दो और खुद भी रेस्ट करो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है एकदम प्रॉपर चार्जर यूज़ करिए, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कभी कभी ऐसा हम कर लेते हैं कि किसी गलत चार्जर से जो है अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जो बॉक्स में चार्जर मिला है वो 18 वॉट का फास्ट चार्जर और वही USB केबल, उसी को इस्तेमाल करते हुए जो है अपने फ़ोन को चार्ज करिए, तो आपको जो है हीटिंग के इशू कम देखने को मिलेंगे। अगली जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा वो ये है कि जब आप कोई हैवी काम कर रहे हो अपने फ़ोन पर, जैसे कि आप पबजी खेल रहे हो, या फिर अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, या फिर अगर आपने फ़ोन चार्जिंग पर लगा रखा है, तो जो कवर होता है फ़ोन का, जो बैक पैनल पर कवर आप लगाते हो, उसको आप निकाल दोगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा, उससे हीटिंग जो है काफ़ी कम होगी। क्योंकि जब मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम जो है अपने कपड़े उतार देते हैं, तो ऐसी फ़ोन को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो क्या करेगा फ़ोन, तो फ़ोन के कपड़े जो है, फ़ोन का कवर है, तो उसे निकाल दीजिए। तो ये भी आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। अगली चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि जब आप फ़ोन को चार्जिंग में लगाओगे तो आप किसी सरफेस पे चार्ज रख के उसे चार्ज करो, जैसे कि ये ऐसे लकड़ी है, इस तरह के सरफेस पे, यानी कि बेड वेड पर, चादर पे रख कर जो है फ़ोन को चार्ज मत करो। अगर आप बेड पर ही रख कर चार्ज करने वाले हो तो आप एक इस तरह की कॉपी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये एक कॉपी है, इस तरह की सरफेस पर जो है अपने फ़ोन को रख दिया करो, तो इससे भी काफ़ी आपके जो फ़ोन के हीटिंग इश्यूज़ हैं वो बच जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले तो फ़ोन को जो है कम यूज़ करो, फ़ोन जब हीट हो जाए उसे रख दिया करो, एकदम प्रॉपर चार्ज यूज़ करो, कवर मत यूज़ करो ज़्यादा जब आप हैवी यूज़ कर रहे हो, और दूसरा जो है सही सरफेस पर फ़ोन चार्ज करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो हीटिंग से बचने के लिए।
तो दोस्तों अब आपसे बात कर लेता हूँ अगले इशू की, जो है कि है बैटरी ड्रेनिंग इशू। तो क्या सच में बैटरी ड्रेनिंग इशू आ रहा है? दोस्तों अगर मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने तो नोटिस नहीं करा अपनी बैटरी ड्रेनिंग इशू, यानी कि मुझे तो जितना यूजेज मिल रहा था उतना ही यूजेज मिल रहा है, बैटरी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हाँ मुझे हीटिंग के इशू मिले थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बैटरी के मुझे ज़्यादा कुछ इशू नहीं मिले हैं, थोड़े बहुत नॉमिनल से इशू मिले हैं। यानी कि मान लीजिए पहले 8 घंटे चलता था फ़ोन चार्ज करने के बाद, तो अब 7 घंटे 50 मिनट, 7 घंटे 40 मिनट, तो 10-20 मिनट का जो है टाइम डिक्रीज़ हुआ है। उतना ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है बैटरी वाला, तो बैटरी को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में इशू आ रहे हैं तो आप इस लॉकडाउन के बाद जो है आप सर्विस सेंटर जा सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। बाकी मुझे बैटरी को लेकर जो है कोई ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, हीटिंग को लेकर आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया, आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी बैटरी को लेकर मुझे कोई ज़्यादा इशू आ नहीं रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है तो आप ज़रूर सर्विस सेंटर जाकर चेक कराइएगा अपने फ़ोन को। तो बस यार यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था, ज़्यादा घबराइएगा मत, अपडेट करिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ लाइक करना, और लाइक का टारगेट आपको बताइए 25 लाइक का है, सिर्फ करवा देना यार ज़रूर। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे जाकर ज्वाइन करो, वहाँ से मुझे बातचीत करो अगर आपको जो भी बात करनी है। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।